पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्री सर्राफा कमेटी बाजारगंज मुरादाबाद के पदाधिकारी प्रभात मार्केट स्थित महापौर आवास पहुंचे और एक ज्ञापन महापौर विनोद अग्रवाल को सौंपा। ज्ञापन में सर्राफा व्यापारियों ने कहा कि त्योहारों के मद्देनजर सीवर के कार्य को बाजार में शुरू ना कराया जाए। यदि सीवर का कार्य बाजार में शुरू किया गया तो ग्राहकों को परेशानी होगी और बाजार पर असर पड़ेगा। व्यापारियों के ज्ञापन को देखते हुए महापौर विनोद अग्रवाल ने बाजार के व्यापारियों को तोहफा दिया और कहा कि बाजार में सीवर का काम त्योहारों के बाद शुरू होगा और जो कार्य शुरू किया जाएगा वो भी अंडरग्राउंड होगा, जिसके बाद L&T कंपनी के अधिकारियों को बुलाकर आदेशित किया। महापौर के ये बयान सुन व्यापारी भी गदगद हो गए और सभी ने आभार व्यक्त किया। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि बड़े ही हर्ष की बात है, महापौर ने हमारी बात को सुना और आने वाली परेशानियों से छुटकारा दिलाया। आपको बता दें कि मुरादाबाद में सीवर लाइन का काम कछुए की रफ्तार से चल रहा है, जिसके मद्देनजर व्यापारियों को परेशानी होती है। इसी समस्या को लेकर महापौर से व्यापारी मिले थे। समस्या एक बड़ी विकराल थी कि हमें ये पता लगा कि L&T कंपनी गुरेट्टी के चौराहे से लेकर मंडी चौक तक सीवर लाइन का काम करने जा रही है और आप जानते ही हैं कि शहर को पूरा उधेड़ दिया जाता है और एक एक साल तक सड़कें नहीं बनती। दिवाली का त्यौहार बहुत नजदीक है, गणेश महोत्सव बाजारगंज का 20 साल पुराना एक बहुत फेमस त्यौहार है। इसको मद्देनजर हम मेयर साहब से मिलने आए कि साहब हमारे यहाँ दिवाली से पहले कोई कार्य ना हो ऐसा, और अगर दिवाली के बाद भी हो तो अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाली जाए, जिसको एक जगह पर से ही अंडरग्राउंड पाइप भेजे जाए। हमारी बात को मेयर साहब ने बहुत गंभीरता से सुना और तुरंत आदेश करा और हमें ये लिख कर भी दिया कि L&T कंपनी जो भी कार्य करेगी इसका दिवाली के बाद करेगी और अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाला जाएगा, ओपन खुदाई कहीं नहीं करी जाएगी। हम सर्राफा कमेटी मुरादाबाद, सभी ज्वेलर्स एसोसिएशन, मेयर साहब का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि मेयर साहब ने हमारी बात को तत्काल सुना और तत्काल उसमें आदेश पारित किया।